हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में एक डीआई डिस्कस करेंगे जो पाइप एंड सिस्टर्न बेस्ड। तो आजकल आप देखेंगे जो ट्रेंड है उसमें मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम पर जो बेस्ड डीआई, वो डीआईज के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए। साथ ही इससे आपको एक पर्टिकुलर जिस भी अर्थमेटिक प्रॉब्लम पर बेस्ड डीआई आप सोल्व कर रहे हैं, तो उसके अगर डायरेक्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी अगर उस टॉपिक पे पूछे जाएंगे तो उनमें भी आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो पाइप एंड सिस्टर्न का जो टॉपिक है उसमें डीआई आए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पर डीआई नहीं आए तो भी आप देख रहे हैं कि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टर्न का मिल ही जाता है। चलिए सेशन शुरू करते हैं, देखिए क्या है इसमें। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स टाइम टेकन इन आवर्स बाय डिफरेंट पाइप्स टू फिल ए सिस्टर्न, सम वैल्यूज आर मिसिंग। एक टेबल दे दी आपको, ए बी सी डी ई एफ छह पाइप है और उनको कितना टाइम उस सिस्टर्न को भरने में लग रहा है वो दे दिया। जैसे ए को 24 घंटे लगते हैं, डी को 30 और ई को 45, तीन वैल्यू आपकी मिसिंग और उसी पे बेस्ड सब क्वेश्चन। तो पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो, भाई जैसे एलसीएम मेथड भाई जो लेकिन मेथड आप टाइम एंड वर्क में जो आपके प्रैक्टिस में है आप इसमें भी वही ऑप्ट करें। आई थिंक मुझे सबसे जो आसान इसमें लगता है वो एलसीएम मेथड लगता है, जिसमें कैलकुलेशन के एरर होने की पॉसिबिलिटी कंपेरेटिवली कम है। दूसरा आप ले सकते हैं वन डे फ्रैक्शन या वन आवर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वर्क वाला जो आपका फ्रैक्शन वर्क निकाल के जो है टाइप। तीसरा परसेंटेज से भी आप निकाल सकते हैं, परसेंटेज में तो जो भी आप यूज करते रहे हैं टाइम एंड वर्क में उसी पे ये करने की कोशिश कर। चलिए देखिए क्या है। इफ ए एंड सी केप्ट ओपन फॉर 4 आवर्स, ए एंड सी, ए को खोला है और सी को खोला है, ए को 24 घंटे में भरता है, सी का टाइम दिया हुआ है, ए एंड सी केप्ट ओपन फॉर 4 आवर्स, देन ए इज ए प्लस सी कितने टाइम के लिए 4 आवर्स, देन ए इज रिप्लेस्ड बाई डी, इसका मतलब डी सी तो फिर खुला ही रहा और डी और सी को 5 घंटे और खुला रखा और द टैंक इज फिल्ड और इसमें 9 घंटे में टैंक भर गया। इन हाउ मेनी आवर्स पाइप सी अलोन कैन फिल द सिस्टर्न, सी अकेला कितना टाइम लेगा। तो इसमें अगर आप एलसीएम मेथड से करेंगे तो क्या हुआ, आप देखेंगे कि ए है सी है डी है, तो ए और डी सी पूरे 9 घंटे रहा, ए और डी ने भी कुछ काम किया, ए 4 घंटे किया, डी 5 घंटे किया, तो ए और डी के आपको दिए हुए हैं 24 और 30। तो मैं अगर ये ले लूं, ए करता है 24 घंटे में फिर और डी करता है 30 घंटे में, राइट। तो अगर एलसीएम मेथड से मैं करूं तो 24 और 30 को अगर मैं 120 यूनिट टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम लेके और मैं ये मान लेता हूं कि 120 यूनिट टोटल वर्क, तो 24 घंटे में कितना हो गया 120 बटा 24, इसका मतलब ये पर आवर 5 यूनिट काम कर रहा है और डी कर रहा है 4 यूनिट पर आवर, भाई 120/30 4 यूनिट आ गया पर आवर, पर आवर वर्क निकल गया। अब ए ने 4 घंटे किया, डी ने 5 घंटे किया, तो ए और डी ने, ए एंड डी ने कितना वर्क किया, ए एंड डी का आप वर्क निकाल लीजिए, तो ए ने किया 4 घंटे में 4 × 5 यूनिट और बी ने 5 × 4, मतलब दोनों ने मिलकर 40 यूनिट वर्क ए और डी ने किया। तो सी का वर्क, सी का वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क था 120, इसमें से 40 घटा दीजिए तो 80 यूनिट ऐसा था जो सी ने किया और कितने घंटे में किया, 9 घंटे में किया। तो पर आवर वर्क कितना आ गया सी का, पर आवर वर्क अगर आप निकालेंगे तो ये आ गया आपका 80/9, राइट। अब टोटल वर्क 120 यूनिट है, तो इसने पूछा है कि सी टैंक को कितनी देर में भरेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टाइम फॉर सी, टाइम ऑफ सी कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 120 यूनिट और पर आवर उसका वर्क डन है 80/9, इसको आगे करोगे आप 120/80 और गुणा 9, 80 का 1.5 टाइम्स हो गया और ये 9 का 9 और उसमें 4.5 और जोड़ दो तो 13.5 घंटे में ये भर देगा, राइट, 13.5 घंटा ऑप्शन। अगर इसको 1 आवर का कितना फ्रैक्शन एक घंटे में करता उस हिसाब से निकालोगे तो भी वही निकलेगा, ए ने कितना काम किया, ए ने 4 घंटे काम किया, ए का पर आवर कितना है, ए का निकल गया आपका 24 घंटे में वो कंप्लीट कर रहा है भर रहा है, तो एक घंटे में वो करेगा 1/24 पार्ट, और कितने घंटे काम किया ए ने, ए ने किया 4 घंटे, तो 4 घंटे में कितना कर देगा गुणा 4, तो
एक बटा छह पार्ट तो कर दिया ए ने, और डी ने कितना किया, डी का अगर आप निकालोगे तो एक घंटे में तो करता है एक बटा तीस, और छह घंटे में कितना कर देगा, पांच घंटे में, सॉरी पांच बटा छह, एक बटा छह ही इसने कर दिया, दोनों ने मिलके कितना कर दिया, एक एक बटा छह प्लस एक बटा छह, ये हो गया आपका एक बटा तीन पार्ट तो इन्होंने किया, दो बटा तीन। तो सी ने कितना किया, सी का हो गया वन माइनस टोटल एक पार्ट हुआ, तो ये हो गया दो बटा तीन पार्ट। तो अब इससे भी आप निकालोगे तो टू थर्ड पार्ट कितने टाइम में किया, टू थर्ड पार्ट किया नौ घंटे में, तो वन पार्ट मतलब कंप्लीट वर्क कितने टाइम में करेगा, नौ गुणा तीन बटा दो, वही आपका नौ तीस सत्ताईस बटा दो, साढ़े तेरह घंटे इससे भी आ जाएंगे, जिससे भी निकालना चाहो उससे निकाल जाए। नेक्स्ट देखिए, टू पाइप्स डी एंड ई आर ओपन साइमल्टेनियसली टू फिल द सिस्टर्न, डी और ई, डी को खोला गया है और ई को खोला गया है, तो डी कितने टाइम में कर रहा है, 30 घंटे में, और ई कर रहा है 45 घंटे में, और इन दोनों को खोल दिया। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड डी बी क्लोज सो दैट ई अलोन कैन फिल द सिस्टर्न इन अनदर 20 आवर्स, कि कितने टाइम बाद बंद कर दें कि जो बैलेंस काम है वो ई अकेला 20 घंटे में कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, 20 घंटे में ई क्या करेगा काम, और टोटल वर्क, ये दो चीज चाहिए। तो इसके लिए क्या, डी और ई, डी करता है 30 घंटे में फिल करता है पूरी को, ई 45 में। अगर मैं एलसीएम मेथड से निकालूं, मान लो इसका 90 यूनिट मैंने ले लिया टोटल वर्क, तो डी पर आवर कितना किया, 90 बटा 30, 3 यूनिट तो ये कर रहा है, और ये कर रहा है 2 यूनिट पर आवर, 90 बटा 45 2 यूनिट। अब ई कितना करता है, एक घंटे में 2 यूनिट करता है, तो 20 घंटे में 20 गुणा 2 40 यूनिट वर्क तो करेगा ई अकेला, तो बैलेंस कितना बचा, जो इन दोनों को मिलके करना है वो कितना हो गया, 90 माइनस 40 50 यूनिट वर्क ऐसा है जो डी और ई दोनों मिलके करेंगे। तो एक कर रहा है 3 यूनिट, एक कर रहा है 2 यूनिट, तो टाइम इसके लिए कितना चाहिए, यूनिट वर्क है 50, एक घंटे में कर रहे हैं 3 प्लस 2 यूनिट 5 दान, तो 10 घंटे बाद उसको बंद कर देंगे आप। 10 घंटे बाद जैसे ही बंद करेंगे तो 10 घंटे में इन्होंने क्या 50 यूनिट तो कर लिया, वो 40 जो बचा वो ई ने कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में कितने टाइम बाद, कि अनदर 20 आवर्स, तो 20 घंटे का ई का वर्क निकाल लो, ये फिक्स हो गया 20 घंटे, तो 20 घंटे में ई ने कितना काम करना है, तो 2 यूनिट एक घंटे में करता है, तो 40 यूनिट ई को करना है, तो इन दोनों को मिलके कितना करना है, टोटल माइनस 40, और दोनों एक घंटे में मिलके करते कितना है, उससे आपका टाइम निकल गया। इफ सी टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाई एफ टू फिल द सिस्टर्न एंड एफ टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाई बी टू फिल द सिस्टर्न, जैसे बी को लगते हैं 2x आवर्स, तो एफ टेक्स हाफ द टाइम बाई बी, एफ लेगा मान लो इसको 4x मान लो, तो ये हो गया आपका 2x, और सी का हो गया एक्स, सी टेक्स हाफ द टाइम टेकन बाई एफ, ये इतने आवर्स से ये ले रहे हैं तीनों, राइट, ऑल द टाइम वर्किंग टूगेदर कैन फिल द सिस्टर्न, और फिल इन एंड ऑल ऑफ देम वर्किंग टूगेदर कैन फिल द सिस्टर्न इन 48 आवर्स, और इनको टोटल को टाइम कितना चाहिए, 48 घंटे में ये टंकी को भर देते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय एफ टू फिल द सिस्टर्न, तो एफ का टाइम आपसे पूछा है सिस्टर्न को भरना, तो इसमें भी अगर आप एलसीएम मेथड से करेंगे तो इनका सबका वो एलसीएम आपका 4x आ गया, 4x यूनिट टोटल वर्क है मान लो, तो ये कितना करेगा, बी कर रहा है 1 यूनिट, ये करेगा 4x बाय 2x तो 2 यूनिट, और ये x ये कर रहा है 4 यूनिट, और सब मिलके कितने देर में कर रहे हैं, टोटल टाइम 48 आवर्स, और टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, टोटल वर्क 4x, और पर आवर कितनी यूनिट, एक कर रहा है 1, एक कर रहा है 2, और एक कर रहे हैं 4, 4 2 6 1 7 यूनिट, तो 4x अपॉन 7 इज इक्वल टू 48, तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई 12 चौक 48, x इज इक्वल टू 84, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना, सी आपसे पूछा कितना है, किसका, f का, f कितना टाइम लेगा, तो f कितना टाइम लेगा, f 2 यूनिट करता है, तो f का टाइम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क है 4x, तो 4 गुना 84 यूनिट, और f कर कितना रहा है, 2 यूनिट कर रहा है पर आवर, तो आप इसको गुणा बट 2, 80 दुनी 160 और 8 168, 168 आवर्स में ये कर देगा, तो है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट। इन्हीं क्वेश्चंस को आप फ्रैक्शन में निकाल के भी करेंगे तो भी हो जाएंगे, बट मैं कहूंगा कि अगर आप एलसीएम मेथड से करते रहें तो एलसीएम पे ही फोकस रखें।
इसमें क्या कैलकुलेशन एरर कम होती है कंपैरेटिव। नेक्स्ट देखिए, टू पाइप्स ए एंड डी आर फिलिंग द सिस्टम, ए और डी, ए है और डी है, ये दोनों सिस्टम को भर रहे हैं। दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स एंड इफ पाइप ए इज ओपन फर्स्ट, पहले घंटे ए फिर डी फिर ए फिर डी फिर ए फिर डी, इस तरह के आपके ये बनेंगे। इसके ए पहले गए, इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट पाइप ए इज ओपन फर्स्ट इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम, तो कितने घंटे लगे, तो आप इसको देख लो, ए करता है 24 घंटे में और डी करता है आपका 30 घंटे में। तो अगर इसका मैं एलसीएम 120 जैसे लेता हूं, 120 यूनिट टोटल आ गया, ये 5 यूनिट कर रहा है पर आवर और ये कर रहा है आपका 4 यूनिट पर आवर, राइट। तो इसमें अपने ये कर लिया करो, जब भी अल्टरनेटिव वाला हो ना, एक दोनों का एक पेयर बनाओ, एक पेयर ए प्लस डी कितने यूनिट काम कर रहा है, ए प्लस डी काम कर रहा है 5 + 4 9 यूनिट एक पेयर, राइट। तो अब 9 यूनिट, तो 9 यूनिट और टोटल वर्क कितना है 120 है, तो 120 बटा 9 कितने पेयर, नंबर ऑफ पेयर्स आपके यहां से आ जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स कितने आएंगे 120 बटा 9, तो 9 एकम 9 और 9 ती 27, तो 13 × 9 = 117 यूनिट, तो 13 × 9 = 117 3 यूनिट बची, तो 117 यूनिट वर्क तो कितने घंटे में कर दिया, 9 पेयर, तो 9 × 2 18 घंटे में तो ये कर दिया। अब बची 3 यूनिट बची, और नंबर किसका आएगा, जैसे ही पेयर कंप्लीट होगा तो ए का टर्न आएगा, ए करता है 1 घंटे में 5 करता है, तो 3 यूनिट के लिए, 3 यूनिट वर्क के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, 3/5 आवर, तो ये 3/5 और जुड़ जाएगा, 18 सही 3/5 आवर्स में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देख लो कहीं है क्या, 13 था, तो ये आपका जाएगा 13 × 26, तो 26 घंटे तो यहां आ गए, फिर 3/5 ये और आ गए, तो 26 से 3/5 इसमें देखो कहीं ऑप्शन बी इज राइट। तो ये जब भी अल्टरनेटिव जब भी काम करते हैं ना, तो आपको ये देखना है कि इनकी सीक्वेंस क्या है, और फिर इसका पेयर वाइज आप इसका वर्क निकाल लीजिए और फिर उसे अकॉर्डिंगली कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, थ्री पाइप्स ए डी एंड एफ टुगेदर कैन फिल द सिस्टम इन ए डी एंड एफ, ये 24 घंटे में करता है और डी 30 में करता है, और एक एफ और है कोई मान लो एक्स में करता है, ए डी एंड एफ कैन फिल द सिस्टम इन 8 आवर्स, ये कितने में कर रहे हैं, टोटल टाइम है इनका 8 आवर्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय एफ अलोन टू फिल द सिस्टम। तो अगर मैं इन दोनों का देखूं, अगर इन दोनों का मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, 24 और 30 वही, जैसे मैं 120 यूनिट अगर लेता हूं, तो ये कर रहा है 5 यूनिट और ये कर रहा है 4 यूनिट, राइट। तो 8 घंटे में इन्होंने कितना कर दिया, 8 × 9 5 + 4 9 8 × 9 72 यूनिट वर्क तो कर दिया है इन दोनों ने, बैलेंस जो बचा 120 − 72 वो किया एफ ने, और कितनी देर में किया वो 8 घंटे में, तो आप इसमें देख ले तो उसका कितना आ गया 28 + 20 = 48, तो 6 यूनिट पर आवर एफ का, एफ की जो एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई 6 यूनिट पर आवर, तो कितना टोटल टाइम कितना चाहिए उसको, टाइम रिक्वायर्ड पूरी सिस्टम को भरने के लिए फॉर एफ, तो टोटल वर्क 120 यूनिट है और एक घंटे में वो 6 यूनिट कर रहा है, तो 6 × 12 20 घंटे में वो अकेला भर देगा, तो 20 घंटे इसमें देख लो, ऑप्शन ए ही आपका सबसे पहले मिल गया और ये राइट ऑप्शन। तो आपने देखा पाइप एंड सिस्टम पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसमें कवर करने की कोशिश की गई है, और ये क्वेश्चन जैसे आपके ये डीआई आप कर पा रहे हैं आराम से विद इन टाइम, तो आपके पाइप एंड सिस्टम पे कोई क्वेश्चन भी बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपके कहीं भी कोई प्रॉब्लम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी होगी। अगर डीआई आ गई उसके ऊपर या 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिल गए, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर डीआई ना भी मिली चलो तो भी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस इन सब टाइप के क्वेश्चन की हो जाएगी। और जो पाइप एंड सिस्टम बेस्ड अगर कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका आता है तो मुझे नहीं लगता उसमें आप बिना कोई टाइम ज्यादा लगाए उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, सेशन अच्छा लगा हो चैनल अच्छा लगा हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स रेगुलर करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए नाइस डे।